कॉलोनी का काम करवा देते तो प्रधान जी थोड़ी सी मदद हो जाती। अबे मैं तुझे कॉलोनी दिलवा तो दूं, पर तेरे घर में 3 सबसारे वोट हैं, तो मैं क्या करूंगा तुझे दिलवा के, और वो भी मुझे मिलते ना। प्रधान जी इस बार मैं तुम्हें 5 जाली वोट डलवाऊंगा। तो भाई चल तेरी बात मैंने मान ली, पर उसमें मुझे कॉलोनी में कुछ चाहिए। चलो प्रधान जी 2-4 हजार तुम भी ले लियो। 2-4 हजार रुपए 50 हजार रुपए देवे तो बता, वो मेरे होंगे खाली। 50 हजार रुपए प्रधान जी कुछ ज्यादा ना हो रहे हैं 50 हजार? तो यार भैया मेरी मोटरसाइकिल चलेगी, गाड़ी चलेगी, तेल बेल सभी चीज है। चलो ले लियो 50 हजार, कॉलोनी तो दिलवाओ। 20 हजार रुपए उसको जाएंगे अधिकारी को। यार प्रधान जी ये कौन सी बात है तुम्हारी, अब 20 हजार और बढ़ा दिए तुमने, 70 हजार कर दिए। लेखपाल को जाएंगे 20 हजार रुपए? यार प्रधान जी अब तुमने फिर 20 हजार बढ़ा दिए, 90 हजार कर दिए, ये कौन सा नाटक है तुम्हारा? मतलब हम नाटक कर रहे हैं? देख ले भैया हम तो तेरा काम करवा के दे रहे हैं, तुझे अच्छे ना लग रही है तेरा काम तो तू जाने। चलो 90 हजार ही ले लियो, और क्या थोड़ी सी मदद हो जाएगी। अरे यार सब सारी 10 हजार रुपए की तो बात है, पूरे 1 लाख ही कर दो। लो नाश्ता खाओ तुम। तेरा वोट आ रहा है अगले साल को आगा, तो हाथ पीछे रख, नाश्ता मत करो यहाँ पे, तुम करो लो तुम्हारा वोट आप। अरे खान दो करन दो नाश्ता बच्चे को, 5 साल बाद सब भूल जाएगा मैंने न जाने कितना कुछ लाया। बताओ भाई बात सही है ना? सही है ना प्रधान जी, तुम्हारी बात सही है भाई। इससे बड़ा भिनकता आदमी मैंने न देखा अपनी जिंदगी में। सुअर तुझसे मैंने मना कर दी 4 बार, हाथ मत डाले इसमें, पता ना हाथ धो के आया भी है ना आया, मैं तो यूं ना खिला रही है इसे। प्रधान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा ये वाला काम करवा दो कॉलोनी वाला। भाई अगला आओ। ए ए ए घड़ी दे गया वो। अले कौन ही मारूंगा, तो ज्यादा 36 आम है मेरे पास, सब सीख गया हूँ। आओ ले ले तेरी क्या दिक्कत है। प्रधान जी मेरी समस्या ये है कि हमारे गांव में बहुत मच्छर हैं, और उसी वजह से बीमारी काफी फैल चुकी है, आप थोड़ी बहुत दवाई छिड़कवा देते हैं तो मच्छर कम काटेंगे। अबे तब मच्छरदानी लगा के सोना, काम होगा हमें परेशान करे फिर रिया भाई, बहुत ही बड़ा चूतिया दिखाया है। चल भाई मैंने मान लिया, मैं दवाई छिड़कवा भी दूं नाली में, अगले हफ्ते फिर मच्छर आ जाएंगे, दुनिया में से मच्छर खत्म कर देगा तू। काम होगा यार हमारी दवाई और खराब करवा रही। बात तो सही है प्रधान जी की, ये तो कोई समस्या ना हुई। प्रधान जी एक बिस्कुट उठा दो, मैं सीधा घर को चले आऊंगा। बहुत ही बड़ा जलील खानदान में से दिखा है तू, ले पकड़ और इसे चूतिया को भी लेके जा। चल भाई चूतिया, पता ना कैसी कैसी समस्या लगा रही है मच्छरदानी लगा। और सो अरे भाई क्या कर रही है आप पूरा दिन फोन में तू? प्रधान जी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कहाँ पे? बिनोमो पे। अबे बिनोमो क्या है, इसका तो नाम ही बड़ा धंधा लग रहा। प्रधान जी बिनोमो एक ट्रस्टेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, और मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त भी जो तुम्हें हर रोज 1,000 रुपए कमाने में हेल्प करेगा, और कमाया हुआ पैसा UPI बैंक QR कोड फोन पे से कभी भी कहीं भी विड्रॉल कर सकते हो। और प्रधान जी इसमें एक अच्छी चीज भी है, डिपॉजिट करना बहुत आसान है, UPI फोन पे पेटीएम कहीं से भी कहीं भी, मिनिमम डिपॉजिट 500 रुपए, लेकिन अगर तुम 2,000 रुपए डिपॉजिट करते हो तो लगभग तुम्हें 1,600 रुपए हर एक ट्रांजेक्शन पर मिलेगा, तो हर तरफ से है ना है फायदा ही फायदा। अरे यार 1,000 रुपए वो भी हर रोज? सिर्फ 1,000 ही नहीं 1,000 से ज्यादा भी कमा सकते हो। वो कैसे? देखो प्रधान जी बिनोमो के बारे में तो सबको पता है, अब तो मैं भी बता रहा हूँ, ये एक लेवल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ तुम ट्रेडिंग की दुनिया में डूब सकते हो, बिनोमो के साथ इंटरेक्शन करने का एक्सपीरियंस पा सकते हो, जिसमें हमें हर ट्रांजेक्शन पर 90% का प्रॉफिट मिलेगा। यार ये तो बहुत बढ़िया हुई। और तो और इसमें नए यूजर्स के लिए एडिशनल सेंटर भी है। अरे वाह इसका लिंक कहाँ मिलेगा, इसे डाउनलोड कहाँ से करना है ये बता पहले से। प्रधान जी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक हैगा, और कमेंट बॉक्स में लिंक पिन भी कर रखा है, वहाँ से जाओ ट्रेडिंग करो कमाओ बिनोमो से पैसा। तो मैं अभी करता हूँ बिल्कुल। अरे प्रधान जी 850 वोट है इस मोहल्ले में, अब की बार कितने मिलने की उम्मीद है? कुछ ना तो 600 वोट तो मिल ही जाएंगे हमें। 850 को 800 क्यों ना मिल सकते? ओ बेटा लोग बाबू के घरों में पर्ची नहीं जाती ना, तो वो भी हमें मिलते हैं। 20 साल हो गए मुझे राजनीति में, आई बात समझ में ना? लेकिन प्रधान जी तुम्हें तो प्रधान बने हुए 5 ही साल हुए हैं, 20 साल कैसे राजनीति करते हुए हो गए? तूने वो वाले डायलॉग ना सुना दिखा है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। सोचिए मैं तो कई बार हार के जीता हूँ, तो मुझे लगभग क्या क्या कहेंगे भाई? यार प्रधान जी पता नहीं क्या क्या कहेंगे तुम्हें, आओ वोट मांगने चल रहे हैं अगले मोहल्ले में, देखते हैं कितने वोट हैं। अरे प्रधान जी तुमने ध्रुव राठी का नाम सुना है, उसकी वीडियो ट्रेनिंग में चल रही है, तुम्हारी सरकार गिरा देगा वो। अरे आखिर है कौन ये? तो दिन का लल्ला हमें सिखागा राजनीति, हमें? अबे हमें 20 साल हो गए राजनीति में, आखिर है कौन ये ध्रुव राठी? प्रधान जी बहुत बड़ा यूट्यूबर है वो। बताओ यूट्यूबरों की बातों में आ रहा हो तुम, अबे उस अनपढ़ की बातों में जा रहा हो तुम, हमें वोट न दे रहे उसके चक्कर में। प्रधान जी बहुत पढ़ा लिखा है वो, आज तक उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई वीडियो के खिलाफ।
अबे अगर इतना पढ़ा लिखा होता तो किसी सरकारी स्कूल में मास्टर होता, 40-45 हजार रुपए कमा रही होता वो। मेरी बात गलत था तुम मुझे बताओ भाई। बात तो सही है प्रधान जी की, लेकिन वो तो करोड़ों रुपए अब भी वैसे ही कमा रहा है। अबे तो कोई उसके अब्बा की फैक्ट्री होगी तभी तो कमा पा रही है वो। अरे प्रधान जी यूट्यूब से कमा रहा है करोड़ों रुपए। ले भैया चैनल बना के दिए मेरा। प्रधान जी यूट्यूब चैनल तो मैं तुम्हारा बना दूंगा, लेकिन इस पब्लिक का क्या करना है, वोट मांगो इनसे। देखो भाई किसी की बातों मानने की जरूरत नहीं है तुम्हें, वोट हमें देना। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो हमसे पूछो, अब हम आएंगे तुम्हारे काम। लो प्रधान जी बन गया चैनल। प्रधान जी ये गांव की सड़क है, 5 साल हो गए तुम्हें, इन्हें कौन सही करवाएगा। अबे बेटे सड़कें तो मैं बनवा दूं, मगर आजकल के जो बालक बच्चे हैं हुर हुर करके गाड़ियां चलाने हैं सुतरी के। कोई बालक बच्चा आ गया तो उसके नीचे क्या होगा, कौन होगा जिम्मेदार, तू लेगा जिम्मेदारी। प्रधान जी एक बात बताओ, तुमने पूरे गांव में अपनी अकेली कोड़ी खड़ी कर ली और हमारे घर आज भी वीरान पड़े, तुम्हें किस बात पे वोट दें हम। प्रधान जी गांव वाले बहुत जोश में लग रहे हैं, इनका जवाब दो। अब रुक जाए, ऐसे को तो हैंडल करना मुझसे बहुत अच्छे साहब है, इसे देख अभी कैसे बरगलाता हूँ। अबे भाई मेरी बात सुन, कोई बाहर का आदमी तुम्हारे गाँव में आगा तो वो क्या कहेगा, प्रधान जी की बताओ झोपड़ पट्टी है। अबे इसीलिए तो मैंने बंगला खड़ा कराया अपना, कि तुम्हारी बात खराब ना हो उसमें। बताओ बात तो सही है प्रधान जी की, भाई वोट हमें ही देना है। प्रधान जी प्रधान जी प्रधान जी, कासिम भाई के ऐसे हमारी दावत आई है, वो वोट हमें देने को कह रहे हैं, पूरे पूरे 70 वोट है उनके घर में। अबे तो उसे घर क्यों कह रही है, जिला घोषित क्यों कर देते। अरे जिला घोषित बाद में कर दियो, पहले दावत तो खा लो। ये वाली बात तो तू मुझे पहले बताया था, अबे हराम तो दाड़े गुला हुआ हमारी आखिर को नेता है। चल गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप भी ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है बिनोमो का, और जाकर के अभी रजिस्टर करो, पूरा का पूरा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है।